अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। माहे रमज़ान हो और पकोड़े ना खाए जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए मैं आपके लिए मज़ेदार पकोड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ, बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी साइज़ के आलू को देखें, इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स की सूरत में काट लिया बारीक बारीक। एक बड़ी साइज़ का प्याज काट के ऐड किया। 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा ऐड किया, 1/2 खाने की चम्मच अजवाइन ऐड की, 1 खाने की चम्मच धड़ा मिर्च ऐड की, 1/2 खाने की चम्मच नमक, 1/2 चाय की चम्मच सुर्ख कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, 1 कप बेसन ऐड किया। अब मैं चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी इसका। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, ये थोड़ा गाढ़ा ही होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और वीडियो को लाइक करें। एंड पे 1/2 चाय की चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बस अभी ये पकौड़ों का मिक्सचर रेडी है। देखें, इतना गाढ़ा चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना इसको। अब मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी। दो ढाई मिनट के बाद मैंने पकौड़ों को पलटा दिया। दूसरी साइड भी 2-2.5 मिनट कुक होगी। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको निकालूंगी। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त पकोड़े रेडी हुए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।